किसी ने जानबूझ के प्लान करके ये सब कराया। ऐसी हरकत कौन कर सकता है? जब ये सब चल रहा था ना, बेबी और नीति ना बहुत खुसुर पुसुर कर रहे थे। राजीव की भाभी को हुआ नीति पर डाउट, क्या परी लाएगी नीति और बेबी का सच सबके सामने। कल इस टीवी शो परिणीति के अपकमिंग एपिसोड में हम सभी देखेंगे। नीति रो रही है लेकिन वो इस बात से खुश है कि फाइनली उसे उसका राजीव वापस मिल चुका है। वही राजीव इस बात से परेशान है कि आखिर परी ने ये सब कुछ क्यों किया। वही नीति राजीव को समझाने की कोशिश करती है और बोलती है कि शायद ये सब कुछ हमारी किस्मत में ही नहीं है, शायद पेरेंट्स बनना हमारे किस्मत में ही नहीं है। वही बेबे ताई जी से बोलती है कि हमें परी का अबॉर्शन करवा देना चाहिए। वो इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी राजीव की भाभी को है परी पर पूरा भरोसा। वो परी के पास आती है और वो परी से बोलती है कि मुझे नहीं लगता है कि ये सब कुछ कोइंसिडेंटली हुआ है, मुझे लगता है कि किसी ने जानबूझकर तुम्हें फंसाने की कोशिश की है। वो जब परी पूछती है कि आखिर कौन ये सब कुछ कर सकता है और इसके पीछे किसी का क्या मकसद हो सकता है, तो इस पर राजीव की भाभी बोलती है कि मुझे लगता है कि इन सब के पीछे नीति और बेबे का हाथ है, क्योंकि जब घर में ये सब कुछ हो रहा था तो नीति और बेबे किचन में छुपकर डिस्कस कर रहे थे। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या राजीव की भाभी की बात को सुनने के बाद परी को होगा नीति पर डाउट, क्या परी करेगी अपनी बेगुनाही साबित, क्या परी लाएगी नीति का सच सबके सामने। आपको क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर, आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए और साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।